व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे, क्योंकि आई नो कि पिछला व्लॉग थोड़ा बोरिंग हुआ क्योंकि उसमें मैंने कुछ खास दिखाया नहीं, क्योंकि मेरे को कहीं जाना पड़ गया था और फिर मैं वहाँ से बहुत लेट आया, मतलब करीबन 8:30 या 9 बजे के आसपास। तो फिर इतना मतलब वो नहीं था कि फिर व्लॉगिंग करने लग जाऊँ, तो मे बी इस व्लॉग में थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ करेंगे, हो सका तो। बाकी अभी ब्रेकफास्ट करते, अभी ना के आया हूँ तो ब्रेकफास्ट करते हैं आज, आलू के परांठे प्लस चाय, विच इज अनहेल्दी बट खा लेते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, तो खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। सो अभी बाजार चलते हैं, थोड़ा काम है तो दिखाता हूँ क्या। सो गाइज बैक होम। तो जो काम करने गए थे वो ये काम करने गए थे हम, तो ये है, ये भाई ने मतलब जो शॉप पे वर्क करते हैं ना, वर्कर जो हैं, तो उनके लिए टी शर्ट्स बनवाई है, ये दिख रहा है, और आगे से ऐसे ही हैं, तो ये ऐसे ही है, मतलब ये 8-10 टी शर्ट हैं। तो फाइनली हमने अपना काम पूरा कर दिया, तो अभी मील प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि 4 बजे जिम भी जाना, और अभी 2:30 के आसपास हो चुका है। तो अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये हाई प्रोटीन म्यूसली, तो म्यूसली और मतलब नॉर्मली बंदे ओट्स खाते हैं, बट अब ये मतलब थोड़ा फ्लेवरिंग के हिसाब से म्यूसली आने लग गया। तो म्यूसली और ओट्स में ये फ़र्क है, म्यूसली में थोड़ा हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, ओट्स में थोड़ा लो प्रोटीन कंटेंट होता है, ऐसे इसी वजह से ये उससे 2-3 गुना महंगे होते हैं, मतलब विच डजेंट मैटर, मतलब जो मैटर करता है वो प्रोटीन है। तो इसमें 21 ग्राम प्रोटीन होता है, उसमें 7-8 ग्राम प्रोटीन होता है, तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट देता है। मैं अप्रोक्सीमेट 70 ग्राम म्यूसली खाता हूँ, तो मेरे को अप्रोक्स मेरे को 15 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। तो अब ये खाते हैं, उसके बाद जिम जाने से पहले एक कॉफ़ी पियेंगे जो कि विद मिल्क और शुगर होगी, क्योंकि मेरे को विदाउट मिल्क वाली पसंद नहीं आती इतनी। तो मिलते हैं। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो अभी
मेरे दोस्त का फ़ोन आया, ईशान का। वो कहता है मेरे को कि बाहर घूमने चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं। तो उसी टाइम मैंने अपने दूसरे दोस्त को फ़ोन मिला दिया, गौरव को, कि चल भाई कुछ खाने चलेंगे। तो उसने मेरे को साफ मुंह पे मना कर दिया। वो बोला कि मैं नहीं आ रहा भाई, आजकल तेरे को व्लॉग का थोड़ा वो चढ़ा हुआ है, तो तू व्लॉग बनाएगा और तू मेरे को भी व्लॉग मिलेगा। तो मैंने उसको मना किया कि मैं नहीं बना रहा, तू आ जा, मैं फ़ोन भी घर छोड़ के आऊँगा, दूसरा फ़ोन लेके आऊँगा। तो अब वो मान गया है, बट वो आएगा और मैं ये फ़ोन भी लेके जाऊँगा, तो मैं उसको शूट करूँगा, जो भी उसका रिएक्शन होगा। उसके बाद का मैं कह नहीं सकता क्या शूट करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि वो फ़ोन छीन लेगा, सो बात है, तो कुछ भी कर सकता है, वो वापस भी घर चला जा सकता है, ऐसा कर सकता है सो भी सो। तो जैसा भी होगा मैं दिखा दूंगा, बाकी इतना ज़रूर शूट करूँगा जो वो आएगा 100%। यही 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 है वो, यही है, यही है वो दानव। तो गाइज मैंने जो जैसा कहा था कि जितना शूट कर पाऊँ वो उतना किया, क्योंकि उसने मेरा फ़ोन छीन लिया था और उसने मेरे को फ़ोन नहीं दिया करीबन 1.5 घंटे। तो जब हम वापस आ रहे थे वहाँ से, जब उसने फ़ोन दिया तो फिर तो मैं क्या ही शूट करता। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कितना टाइम हो रखा है, 11 बज चुके हैं। तो अब पढ़ लेंगे 1.5-2 घंटा, उसके बाद सोएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और लाइक कर दो।